हजुरबा हजुरबा तपाईले के लानु भएको हजुरबा बाबु यो त हाम्रो देश नेपालको नक्सा हेरेको ग्रेटर नेपाल बाबु हजुरबा हाम्रो देश त पहिला सानो थियो रे नि त अहिले यत्रो कसरी भयो त बाबु यो कुरा धेरै लामो छ त बुझ्दैनस् जा बरु खेल्न बाबु जान न म खेल्न सेल्न कतै बरु यो कुरा भन्नुस् न म बुझाएपछि बुझ्छु त भन्नुस् न हजुरबा तैले सारै जिद्दी गरिस् बाबु ल अब सुन यो कहानी यो कहानी हो विक्रम सम्वत 2080-81 को जब भारतले अखण्ड भारतको नक्सा तयार गर्यो दिन प्रतिदिन नेपालको भूमि च्याप्दै आयो ए भूमि अब हमारा हो चुका है इसीलिए इधर अपना किला गाड़ रहे ए भनेपछि यो भूमि तिमीहरुको हो लु सबै लाई त किला गाड यो पनि तिमीहरुको हो यदि कसैले हाम्रो नेपाल आमा माथि छेडखानी गर्न खोज्छ भने म त्यसका अंग अंग काटेर रक्सीसँग सित्तर मडाएर खाइदिन्छु ए ए मेरो इधर कोही भी लफडा नै चाहिए हम सीधा जाएंगे सरकार से बात करेंगे चलो बम थमाउन आइ जो काट के फिक्का देंगे अरे बदनाम होरलिंग मुन्नी बदनाम होरलिंग सरकार सरकार क्या हुआ जब हम बॉर्डर पे किला गाड़ रहे थे तब नेपाली जवान आके हमारे काम पे दखल दिया है सब लानत है तुम लोगों पर तुम तीन थे और दो ही सैनिकों से डर कर भाग गए तुम लोग ऐसा नहीं है सरकार उन लोग के साथ युवा नेता देशभक्ति साहब भी आया था फिर भी तुम तो डर गए ना उन लोगों से ऐसा है तो तुम जाओ सरकार लड़ने के लिए एक बात ध्यान से सुनो बालों पे थूक लगा के और सकल पे चाट उगा के कोई हीरो नहीं बनता सरकार लेकिन सरकार अब क्या करें वो आप बताओ अब तुम लोगों को फिर से वहां पर जाना है वहां पर जाके अपना किला गाड़ कर आना है और वहां कुछ इधर उधर हो गया तो डायरेक्ट उन लोगों को शूट कर देना ये मेरा आदेश हुआ तुम लोगों को सरकार अगर हम वहीं पर मर गए तो मर गए तो मर गए इसमें हम क्या कर सकते भगवान का दिया हुआ सब कुछ है शोहरतें दौलतें इज्जतें सिर्फ तुम्हारी एक शरीर की कमी थी वो भी पूरा हो जाएगी अब क्या देख रहे हो तुम लोग तुम क्या मेरी गांड लेने की फिराद पे हो गए चलो निकलो यहाँ से ठीक है सरकार चलो मेरे केटाहरु ती हाम्रा पुराना गुखाने नेताहरुले गर्दा अहिले दुश्मनहरुले हाम्रो सीमा च्याप्न खोजिरहेको छ तिमीहरु गएर त्यो के रे नाम फुलकुमार दाहाल त्योसँग गएर कुरा गर म चाहिँ आफ्नो क्याबिनमा हुन्छु त्योसँग कुरा गरेर मेरो क्याबिनमा आउनु ठिक छ सर फाम सर के भयो हाम्रो जवानहरूलाई के हो नेताजी इन्डियाको चम्चाहरू आएर यो भूमि हाम्रो भनेर किला गाइरहेका थिए त के हो यो सब अब मैले तपाईँ अब आवेगमा नआउनुहोस् मैले हाम्रो राष्ट्रलाई छिमेकी राष्ट्रले मैले तपाईँको 12-12 लैना भइसिदिएको छ मैले आज त्यसमाथि 14-14 लिटर दिनको दुध दिन्छन् मैले आज त्यसका त नामाकरण पनि गरिसके मुर्रा कस्तो छ नाम ल साथी मैले म नाम भन्छु पहिला त्यसपछि तपाईँहरू भन्नुहोस् मुर्रा ल अब तपाईँ भन्नुहोस् त मैले ल मैले क्रोधित हुँदैन हौ साथी एकचोटि भनौँ त भनौँ मुर्रा भएन भएन यो हुँदै भएन मुर्रा हो कि साथी मुर्रा भनौँ न मुर्रा हजुरलाई विश्वास गरेर भएन हाम्रो देशभक्ति शाह मैदानमा उत्रिसक्नु भएको छ उहाँलाई बिचमा दखल दिने काम नगर्नु होला ए साथी मैले त्यस्तो नगरौँ के मैले 12 मुर्रा घाटा लाग्छन् साथी मैले त्यस्तो नगरौँ सिपाही हो हाँ सरकार गुर्खा के लोग अपनी जमीन पाने के लिए किसी हद तक गिर सकती है इसीलिए हम लोगों को पहले से ही सतर्क होना चाहिए वो लोग अपने जमीन वापस लेने के लिए एक गली के कुत्ते जैसे पीछे पड़ेंगे इसीलिए तुम लोगों को लड़ाई की तैयारी करनी चाहिए तुम लोग जाओ लड़ाई लड़ो और मैं छुपके से पेड़ पे बैठ के देखूंगा तुम लोगों को आप लड़ाई पे नहीं आएंगे तुम लोग होते हुए मैं क्या वहां पर लंड लेने आऊंगा लड़ाई पे तुम लोग जाओगे आज से तुम्हें मैं एक कड़ा ट्रेनिंग दूंगा इसीलिए तुम लोग सब आज से ट्रेनिंग करोगे सब एक साथ फिरो ठीक है ना जय हिंद जय हिंद
जल्दी 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 करो सालो, उन लोगों को दिखाएंगे कि हिंदुस्तान कितना ताकतवर है। आज दिखाएंगे उन लोगों को, सबके सब छुपके से लैंडमाइन बिछा दो वहां पर, एक एक नेपाली आएंगे और वहां से बम के मारे फूट के मर जाएंगे भोंसड़ी वाले। जल्दी आओ जल्दी 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 करो। हाँ कर दिया कर दिया। कर लिया क्या? हाँ हाँ जल्दी आओ जल्दी जल्दी, छुपके से किसी को नहीं पता होनी चाहिए, जल्दी आओ। ए भोंसड़ी वाला तू जल्दी आ, भोंसड़ी वाला। सिपाहियों जी सरकार, क्या तुम लोग लड़ाई के लिए तैयार हो? जी सरकार तैयार है। मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम लड़ाई के लिए तैयार हो? तैयार हूँ सरकार। क्या तुम अपने देश के लिए किसी की जान ले सकते हो? ले सकते हो सरकार। क्या तुम अपने देश के लिए, अपने भारत माता के लिए अपना जान दे सकते हो? दे सकता हूँ सरकार। ठीक है। ए काली सुअर, काला गीठा, क्या तुम अपने देश के लिए किसी गुरखा का सर काट सकते हो? काट सकता हूँ सरकार। ठीक है, तुम जाबाज हो, अब तुम्हारी बारी। क्या तुम अपने देश के लिए किसी को गोली मार सकते हो? गोली मार सकता हूँ सरकार। क्या तुम अपने देश के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए अपना जान दे सकते हो? क्या जान? आज लड़ने दूंगा जान, ऐसे भ्रष्टाचार देश के लिए बीवी बच्चे क्यों दूं मेरी जान? गर्व है मुझे तुम जैसे सिपाही पर, तुम मेरे जैसे निकले, तुम और मैं जाएंगे पेड़ पे छुप के देखेंगे ये बूढ़ी शक्ल के, ये जाएंगे लड़ाई लड़ने के लिए। अब चलो चलो। के रे त्यसको नक्सा त्योसँग हुनुपर्छ कि मसँग हुनुपर्छ? मलाई अरू केही पनि थाहा छैन, कानुन भनेको सबैको लागि बराबर हो, चाहे त्यो धनी होस् चाहे गरिब होस्। अनि अर्को कुरा ध्यान दिएर सुन, जतिसुकै भवनहरू नक्सा दिन्छ नि सम्म दोजा चलाइदे, पढेको गरी म भेट्छु। सरकार अब हामीहरूले पुरानो नेताहरूको आश गर्ने दिन गएको छ, अब जे गरे पनि हजुरले गर्ने दिन आएको छ सरकार। हजुरले आदेश मात्र दिनु सरकार, यो देशको लागि ज्यान दिन म तयार छु। भारतले अति गरेर पनि अत्याचार गरिसकेको छ, अब पनि हामी चुप लाग्यो भने हाम्रा देशका निमित्त रगत बगाएका वीर गोर्खालीहरूको नराम्रो सराप लाग्नेछ। तपाईँ ढुक्क हुनु सरकार, अब हामीले हाम्रो देशको अस्तित्व जोगाएरै छर्छौँ, भन्नुहोस् बरु अब हामीले के गर्नु पर्यो? हाम्रा गुण नेताहरूको कारणले गर्दा भारतले दिन प्रतिदिन सीमा च्याप्दै आइरहेको छ, अब पनि हामीले कुनै ठोस कदम चाल्न सकेनौँ भने हामी नेपालीहरूको कुनै पनि अस्तित्व रहन्न। अब हामीले देखाउने बेला आएको छ, हामी वीर गोर्खाली पाउँ भनेर। किन हजुरबा त्यसपछि के भयो? त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा दुई देश बीचको मुद्दा जाहिर भयो। ओके लेट्स बिगिन द केस। मलाई मेरो जमिन फिर्ता चाहियो भने चाहियो चाहियो चाहियो, होइन भने म जुनसुकै हदसम्म पुग्न तयार छु। ओके इन्डिया, यु हेभ एनिथिङ टु से इन दिस केस? ओके देयर इज समथिङ टु से। सालो तुम लोगों को एक इंच जमीन भी नहीं मिलेगी, समझे? तुम्हारे पूर्वज नेताओं ने सब कुछ बेच दिया था हमें, उन लोगों ने इतना गद्दार किया अपने देश के लिए, क्या ही बताऊं मैं, इसीलिए तुमको एक इंच भी जमीन नहीं मिलेगी। अगर सच में तुम जमीन लेना चाहते हो तो रात के 12 बजे आ जाना। हामी पनि हेर होला तिमीहरू हाम्रो जमिन कसरी फिर्ता गर्दैनौ? जसरी हाम्रो वीर गोर्खालीहरूले नेपाल आमाको अस्तित्व जोगाएर राखेका थिए, त्यसलाई हामी कदापि पनि मेट्न दिँदैनौ। तुम किस अस्तित्व की बात ले रहे हो? तुम्हारे देश में पूर्वज वाले नेताओं ने क्या किया था? गणतंत्र के नाम पे राजा सम्मान, राजा को बाहर निकाल के और लोगों पे क्या हुआ फैला दिया कि कोई भी एक आवाज नहीं उठा सकता, उठा नहीं सकता था, वरना उस वक्त नेपाल टेलीविजन कैसे चल रहा था? ओके ने प्लीज, यू हैव एनीथिंग टू से इन दिस स्टेटमेंट? आर यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? ती गुखाने नेताहरूकै कारणले आज हामीले यो दिन देख्नु परेको छ। अब हामी जागिसकेका छौँ, हाम्रो आँखा खुलिसकेका छन्, अब यो कदापि पनि हुन दिन्नौ। बरु केपी ओली, प्रचण्ड, शेरे जस्ता नेता लैजा, अनि तेरा मूल र सुरा पनि लैजा, तर हामीले हाम्रो जमिन फिर्ता पाइदौ। हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं बोला, जो हमारी है वो हमारी है। तिमीहरू गौतम बुद्ध आफ्नै देशमा जन्मेको भन्थ्यौ, अहिले आएर सीता माता आफ्नो देशमा जन्मेकी हुन् भन्छौ, भोलि गएर पशुपतिनाथ पनि आफ्नै देशको बनाउला, शर्मा त आफ्नै देशको बनाउला, कि हामी सहेर बस्ने? Hey, hey, I'm ready for war. We are ready. I'm ready.
उधर नेपालियों का झंडा लहरा रहा है अपने बॉर्डर पर, तू जाएगा डायरेक्ट उस झंडे को उखेड़ के उनकी सीमाना पर गाड़ के आ जाना, ठीक है? जी सरकार। युद्धमा जुन लडाकु अन्तिम सम्म बचेको थियो त्यो लडाकु म नै हुँ।